उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनको आपने कई भूमिकाओं में देखा होगा, जिसमें सबसे अहम भूमिका है एक महंत की, एक संत की। अक्सर ये आपको पूजा पाठ करते नजर आ जाएंगे, लोग इनसे आशीर्वाद लेते नजर आ जाएंगे, और जब नवरात्रि का मौका होता है, दशहरे का मौका होता है, तो पूजा पाठ तो लाजमी है, वैसी तस्वीरें आना लाजमी है। और एक ऐसा ही वीडियो सामने आया योगी आदित्यनाथ का, जिसमें वो आरती कर रहे हैं, और ये वीडियो खुद उनके ही पेज पर ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से ही ट्वीट किया गया, और इस वीडियो के जरिए अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया गया, विजयदशमी की शुभकामनाएं दी गई, और यहीं से शुरू हो गया सवालों का सिलसिला, सियासत का बवंडर। क्यों, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पहले ये वीडियो देखिए जिसके ऊपर सियासत हो रही है, जिसको लेकर के विरोधी योगी पर हमलावर है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि गोरक्षनाथ की पूजा कर रहे हैं विजयदशमी के मौके पर, और सूबे के मुखिया बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल अलग अंदाज उनका नजर आता है। आगे जब वो आरती को बढ़ाते हैं तो एक ऐसा मौका आता है जब वो मूर्ति से घूम करके सामने आरती उतारते हैं, काफी देर तक यहाँ पर वो ठहर जाते हैं। तब ये कहा जाता है विरोधियों की तरफ से कि योगी आरती उतार रहे हैं कैमरे की। जी, कथित तौर पर कैमरे की आरती उतारने को लेकर सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ को जमकर ट्रोल किया जाता है, और शुरुआत होती है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। तो किस तरह से इस पर हमलावर है विरोधी, जरा वो देखिए। तो सीएम योगी का ये वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा, भाई साहब भगवान आपके पीछे। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, श्रीनिवास की हम बात कर रहे हैं, तो श्रीनिवास ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए हमला किया योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये आरती कैमरे की उतारी जा रही है क्या? और ना केवल कांग्रेस की तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमला किया जाता है, और कई सारे और लोग, चाहे उसमें पूर्व आईएएस हों या और मीडिया जगत से जुड़े लोग हों, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए जमकर कटाक्ष करते हैं, तंज कसते हैं, सीएम योगी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में फिर सवाल उठता है कि क्या हकीकत है इस वीडियो की। तो इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी किया जाता है, और कहा जाता है कि भाई दशों दिशाएं होती हैं, हिंदू धर्म जो लोग जानते हैं, जो लोग मानते हैं, वो लोग जानते हैं कि किस तरह से दशों दिशाओं की आरती उतारने की पद्धति है, और यही यहां पर किया जा रहा था, इसे ही निभाया जा रहा था। लेकिन विरोधी जो चुनावी मौसम में हिंदू बन जाते हैं, उनको क्या पता। तो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस को लेकर हमलावर होते हैं, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी जिक्र होता है, और तथा कथित हिंदुत्व की बात कही जाती है, चुनावी हिंदुत्व की बात कही जाती है। बस नए नए हिंदू बने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यदि उन्हें हिंदू धर्म की पद्धति, पूजा पद्धति, आरती करने की विधि का पता नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीनिवास जी, दस दिशाएं होती हैं, दस दिशाओं के दस देवता होते हैं जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है, उन दस दिशाओं के पालनहार होते हैं, और जब आरती होती है तो दसों दिशाओं की होती है, और इसका ज्ञान तब अर्जित होता है जब चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि प्रतिदिन अपने जीवनचर्या में आरती शामिल होती है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। तो मनीष शुक्ला को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर वो दिक्पाल की भी बात करते हैं। दिक्पाल के बारे में भी आपको बता दें कि जो दसों दिशाएं होती हैं, हर दिशा का एक देवता माना जाता है कि वो उस दिशा में स्थित होते हैं, उस दिशा में रक्षा करते हैं, उनको दिक्पाल कहा जाता है, तो उसका जिक्र इन्होंने किया। खैर, ये तो रही मान्यताओं की बात जो कहा जाता है इसको लेकर। लेकिन जैसा हमने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी कैसे चुप रहती, जब ये पूरा मामला इतना सोशल मीडिया में चर्चा में है, इस तरह से योगी को ट्रोल किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया है।
समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से हमला करते हैं, जरा वो भी सुनिए। कैमरा आते ही जब लोग कैमरा के सामने कैमरा की पूजा ज्यादा करने लगे, वास्तव में पूजा कम करें तो समझो ये समाज के लिए चिंता की बात है। लेकिन ये जो डायरेक्शन को लेकर है कि किधर भाई वो आरती उतार रहे थे, मूर्ति तो पीछे थी, सामने कैमरा था, तो क्या कैमरे की आरती उतार रहे थे, ये सवाल तो थे ही। इसके साथ साथ एक और सवाल था जिसको सोशल मीडिया पर उठाया गया और उसको लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए, तंज कसा गया। वो ये था कि भाई मंदिर में मोमबत्ती का क्या काम, भाई ये पादरी है क्या, क्रिश्चियन समाज से समुदाय से जोड़कर तमाम तरह की बातें कही गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका रियलिटी चेक किया जाए, जानने की कोशिश की जाए कि जो आरती उनके हाथ में थी, जो योगी आदित्यनाथ आरती उतार रहे थे, क्या वो वाकई में मोमबत्ती थी या वो बत्ती थी जो हिंदू धर्म के मुताबिक सही होती है। तो उस पर हमारे सहयोगी ने डिटेल इकट्ठी की है, जरा वो देखिए। गोरक्षनाथ मंदिर का वो अट्रोल वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुई की बत्तियों को जिन्हें दिखा रहे हैं, वह रुई की बत्तियां हैं और जिन्हें बट करके, जैसे रस्सी बटी जाती है, आपको बता दूं उस तरीके से करके उसको देसी घी में डुबोया जाता है। देसी घी में डुबोने के बाद वो चारों दिशाओं में परिक्रमा करके आरती करते हैं, चारों दिशाओं में आरती दिखाते हैं और उन चारों दिशाओं में दिखाते हुए गोरक्षनाथ की आरती करते हैं। तो देखिए कि ये रुई की बत्ती ही होती है और नाथ संप्रदाय में इसका महत्व माना जाता है। और ये जो बात कही जा रही थी कि भाई यहाँ पर ये मोमबत्ती का इस्तेमाल किया गया, मंदिर में मोमबत्ती की क्या जरूरत थी, तो उसका खंडन हो जाता है। तो हमारी कोशिश थी इस वीडियो को लेकर जो तमाम चर्चाएं हैं, जो तमाम सवाल हैं, उनको सुलझा सकें, आप तक पहुंचा सकें और खबरों को निष्पक्ष तरीके से आपको दिखा सके, ना केवल दिखा सके बल्कि आपको पढ़वा भी सके upitak.in पर। तो जो भी खबरें आप यहाँ पर देखते हैं उनको और तसल्ली से आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि जब हम और आप बात कर रहे होते हैं या हम आपको खबरें दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए हम लेकर आए upitak.in, जहाँ पर तसल्ली से हर एक अपडेट, हर एक फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे।